हाँ, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जब मैं आपसे कह रहा हूं, इसका मतलब हाफ पावर यानी वह करंट, जब वह फ्रीक्वेंसी जब पावर क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो उसमें पावर जब हाफ हो गई तो पी क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो ये जब करंट आई बट्टे रूट टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर आई बट्टे आई स्क्वायर बाई टू होगा, तब पावर हाफ होगी। ठीक है ना, जब आई अपना आई मैक्सिमम का रूट टू हो जाएगा, रूट टू डिवाइड में हो जाएगा, तब अपने पास पावर हाफ आएगी। और अपन पता है आई मैक्सिमम का रूट टू कब होता है, जब एंगल कितना होता है 45 डिग्री। अच्छा, अब कॉस फाइव 45 डिग्री तो ये आ जाएगा 1/√2, और टेन फाइव टेन 45 होगा एक, और ये क्या होता है एक्सएल माइनस एक्सी वाई आर, और ये एक के बराबर कब होगा, जो एक्सएल माइनस एक्सी बराबर हो जाए आर के। यानी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में पावर अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाती है, और ये कब होगा, जब करंट अपने मैक्सिमम का रूट टू टाइम्स हो जाए। और करंट अपने मैक्सिमम का रूट टू टाइम्स कब होता है, जब फेज एंगल 45 डिग्री हो जाए, और फेज एंगल 45 डिग्री पर टेन फाइव क्या हो जाता है वन, इसका मतलब एक्स एल माइनस एक्सी किसके बराबर, आर के। अच्छा, और कॉस फाइव कितना हो जाएगा 1/√2। बस ये है अपना हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और वे फ्रीक्वेंसी जिस पर पावर हाफ हो जाती है वे है ω1 और ω2। इन फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो बताता है क्या, बॉन्ड विड्थ, बैंड विड्थ। ठीक है, और ये बराबर वो आ जाता है RYL के। ठीक है ना, ये भी है। ठीक है भाई। अच्छा, यहीं से यदि मैं आपके पास बात करूं क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर जैसे एक तो कर्व आपके पास ये दिया है, दूसरा कर्व ये दिया है, तो इसमें ये बताना है कौन अधिक शार्प है। तो ये वाला अपन को अधिक शार्प देखने को मिल रहा है, यानी क्वालिटी फैक्टर जो होता है ये तो क्या हो गया, ओमेगा आर बाई डेल ओमेगा। यानी रियाई में क्या कह रहा हूं कि ये तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बट्टे में बॉन्ड विड्थ, बैंड विड्थ। अच्छा, इसको आप नहीं समझ पा रहे होंगे, देखो कैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक मिनट इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है ना, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो कि ये मैंने बनाया है कि ये तो है ओमेगा, ये है क्या करंट। ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने इसको बनाया। तो ये तो मेरे पास मैक्सिमम करंट आ गई, ये तो आ गई मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम करंट कब आती है, जब ओमेगा किसके बराबर हो जाए, ओमेगा बराबर हो जाए ओमेगा फ्रीक्वेंसी के। अब ये दो पॉइंट ए फ्रीक्वेंसी आई, जहां पर जो आई है वो क्या हो गया, आई बट्टा आई मैक्सिमम का रूट टू टाइम्स डिवाइड में। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी, ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएंगी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा वन और ओमेगा टू। तो यहां पर ये जो ओमेगा वन से ओमेगा टू के बीच की डिफरेंस होगी वो होगा डेल ओमेगा, और ये होगा आर बाई एल। तो यहां मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं, ये क्वालिटी फैक्टर होता है जो होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाई डेल ओमेगा। यानी ये जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का सबसे ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो बॉन्ड बैंड विड्थ होती है उसका डिवाइड बताता है क्वालिटी फैक्टर, और बॉन्ड विड्थ जो आती है वो आर बाई एल आती है, यानी ओमेगा आर, ये एल ऊपर पहुंच जाएगा, ये कहां जाएगा नीचे। यानी ये कोशिश कर रहा है बताने की जितना ज्यादा एल होगा उतना ही ये अधिक शार्प होगा। ठीक है, यानी L की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही अधिक शार्प होगा, R की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही अधिक शार्प होगा, और जितना अधिक शार्प होगा उतनी अच्छी क्या होगी, ट्यूनिंग होगी। तो थीटा यहां पर भी ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। डेल ओमेगा, ये डेल ओमेगा है ना, इसकी वो क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड, डेल ओमेगा की तो होगी। अच्छा, ये क्या होगा, आर बाई एल, याद करना है डेल ओमेगा बराबर आर बाई एल, और ओमेगा आर क्या है, ओमेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1/√LC, इसको 2πf0 भी कह सकते हैं, आर बाई एल। ठीक है, क्लियर हो गया, ऑफ कोर्स हो गया। अब एसी में जो पावर की बात करें तो पावर क्या होता है, वीआई होता है। एक चीज याद रखना कि फ्रीक्वेंसी और पावर हमेशा दोगुनी होती है वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी के। यानी वी आपके पास दिया है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो
तो जो पी होगा ना, ये जो इस पी में मान के चलो वी नॉट आई नॉट समथिंग कुछ भी आए हो, यहाँ पर साइन 2 मेगा टी आना चाहिए। यदि ये 2 मेगा टी 2 मेगा नहीं आया तो ये शक्ति नहीं हो सकती, पावर नहीं हो सकती। यानी पावर की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस टाइम होती है वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी के। एक आता है अपने पास पी एवरेज। पी एवरेज की वैल्यू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, डायरेक्ट लर्न करना है। पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अच्छा, प्योर पी एवरेज यदि हो, पी एवरेज में वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू, और कॉस पाई का कॉस पाई और रूट टू, रूट टू कितना 2, तो ये पी एवरेज की वैल्यू आ गई वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव। प्योर आर की बात करें तो जो प्योर आर में कॉस फाइव निकाल रहे हैं मान के लो, तो आर बाई जेड, जेड की वैल्यू प्योर आर में आर यानी ये आ गया 1। यानी पी एवरेज की मैक्सिमम वैल्यू वी आर एम एस आई आर एम एस जो आएगी वो किसमें आएगी, प्योर आर के केस में, प्योर आर के केस में। और प्योर एल के केस में जो इसकी वैल्यू आनी होगी ना, प्योर एल और प्योर सी में अपन जानते हैं फाई कितना होता है 90। इसके 90 होने पर ही अपन को पता चल रहा है कोस 90 कितना हो गया 0, यानी पी लॉस कितना आएगा 0। यानी सीधी सी बात है कि पावर के बारे में, पावर की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस टाइम होती है और पी एवरेज जो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव होता है। यदि मैं आपसे बात करूं कि इस कुछ समथिंग एंगल पर आपको आई दिया है, तो इस आई के दो घटक होंगे, एक तो कंपोजिशन होगा आई आर एम एस कॉस फाई और एक होगा आई आर एम एस साइन फाई। अच्छा, आई आर एम एस कॉस फाई ये रहा, क्या वी आर जो होता है वो इसी डायरेक्शन में होता है, बिल्कुल। यदि मैं पावर निकालूंगा तो पावर में कॉस फाई इंटू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, यानी ये वाला जो कंपोजिशन है वो तो पावर में यूज हो रहा है, लेकिन इस वाले कंपोजिशन का पावर में कोई यूज नहीं होता, इसीलिए इस वाले कंपोजिशन को कहते हैं वॉटहीन धारा, यानी वॉटलेस क्या करंट, जिसका वैल्यू होता है आई आर एम एस साइन फाई। तो कहीं भी आपसे आ जाए कि वॉटहीन करंट क्या होती है, ये होती है वॉटहीन करंट, वॉटलेस करंट, ठीक है। तो वॉटलेस करंट क्या है, वह करंट जो पावर में यूज नहीं हो रही, पावर में तो कॉस फाई आई आर एम एस कॉस फाई यूज हो रहा है, आई आर एम एस कॉस फाई यूज हो रहा है, तो यूज कौन नहीं हो रहा, आई आर एम एस साइन फाई, आई आर एम एस साइन फाई क्या कहलाता है, वोल्टलेस करंट, ठीक है। अब आगे कॉस फाई, कॉस फाई जो पावर होता है ना, पावर कोफिशिएंट, इसको आप याद रखो रियल पावर बटे इमेजिनरी पावर, और रियल पावर का मीन पी कितना लॉस हुआ है और इमेजिनरी पावर यानी वी आई। यानी कहीं भी क्वेश्चन में आपको दिया जाए रियल पावर और इमेजिनरी पावर पूछ ली जाए कि भाई फाइंड करो इसका पावर कोफिशिएंट, तो अपन क्या करेंगे, रियल पावर को इमेजिनरी पावर से डिवाइड करेंगे। रियल पावर बोले तो कितना वास्तव में लॉस हुआ है, और इमेजिनरी पावर बोले तो वी आई। क्लियर हो गया, तो थैंक यू टू ऑल। तो ये आपका एसी फिनिश हुआ।